ट्रिप भी करी है उत्तराखंड की 10-12 दिन की इसी नंबर प्लेट पे। हाँ, इस नंबर प्लेट पे शीशे भी ऐसे ही थे, सब कुछ ऐसे ही था। 6,500 चली हुई गाड़ी की क्लच प्लेट फूक गई। क्लच प्लेट फूक गई थी इसकी। भैया एलोए का बजट था हमारा 50-60 हजार रुपए। भैया काले शीशे में चलाते हैं। और आप कह रहे हो कि उत्तराखंड भी मैं ऐसे ही घूम के आया। ऐसे ही घूम के आए थे। पुलिस वालों ने रुकवाया भी है ना, तो एलोए को टोका ही नहीं कभी। शीशों के लिए बोला है, मतलब स्टीयरिंग तो आपको ऐसा लगेगा कि बुलेरो चला रहे हो आप। अच्छा, ये टायर से आया हुआ है। हाँ, अच्छा कहीं नीचे लगती होगी तो उस वजह से ना। हाँ, इस साइड से आता है। अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी हरकतें थोड़ी वैसी है, जानवर वाली। हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आपके लिए सामने देख लो यार, मारुति सुजुकी बलिनो। और आज मैं इस गाड़ी का करूंगा एक ओनरशिप रिव्यू, जिसमें हम बात करेंगे इसके ओनर से, ये गाड़ी कब ली है, कितने में पड़ी है। और मेन बात पता है क्या है कि इस गाड़ी में जो मॉडिफिकेशन हो रखी है, मेन बात उसकी भी करने वाले, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े और यूनिक से अलॉय व्हील्स भी आपको दिख गए होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ, ये जो मेरी 6 मंथ चैलेंज जर्नी चल रही है, जिसमें हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव करने और अपना टारगेट आई है, जिसमें हमें 180 दिन तक 180 वीडियोज अपलोड करनी है बिना कोई भी डे स्किप किए हुए। तो इस जर्नी को आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो, नीचे सब्सक्राइब का बटन जो है उसे जल्दी से प्रेस कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि इनसे रिलेटेड सारी रील भी आपको अपडेट वहां पे मिल जाएंगी। तो अब ज्यादा देरी नहीं करते भाई और सीधे इनके ओनर के पास चलते हैं। तो क्या भैया? बढ़िया भैया, आप सुनाओ। बस बहुत बढ़िया भाई, नाम बता दो। भाई मेरा नाम है गुनीत यादव। पुनीत? गुनीत, गुनीत, गुनीत। हाँ जी, कुछ यूनिक नेम है यार। हाँ भाई, यूनिक नेम। अच्छा, तो मतलब जैसा नाम ऐसी गाड़ी कर दी आपने, यूनिक। क्या बात है भाई, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कब ली थी आपने गाड़ी? भैया ये ली थी अप्रैल के मिड में, 1.5-2 महीने हुए गाड़ी को। बस 1.5-2 महीने हुए और इतना खुराफाती काम करा दिया। हाँ भैया, क्या बात है। वेरियंट कौन सा है भैया? ये बिल्कुल बेस मॉडल है। अच्छा, सिग्मा जिसे बोलते हैं। जी सिग्मा। और बेस लेने का रीजन यही रहा कि भाई मॉडिफिकेशन करानी थी। हाँ भैया, मैंने सोचा नहीं था कुछ, पर फिर भी। भैया एक बात बताओ मुझे, जब फ्रोंक्स भी होगी उस टाइम पे, तो 1.5-2 महीने हुए हैं। फ्रोंक्स थी, है ना। चलो एक तो हो गई फ्रोंक्स, और भी कोई अलग लिस्ट में गाड़ियां थी आपकी जब आपने प्लान की थी गाड़ी लेने? भैया फ्रोंक्स ही थी। फ्रोंक्स में ये था कि एक दोस्त ने ली थी, तो उसमें पीछे हेड के लिए गैप बहुत कम था पिछली सीटों के लिए, तो इस चीज में, इस चक्कर में फिर ये गाड़ी अच्छी लगी। बैठ के देखा जाए तो कंफर्ट अच्छा था। स्विफ्ट, स्विफ्ट भी देखी थी, स्विफ्ट बहुत छोटी लगी अंदर से। तो इस चक्कर में फिर बेलिनो ने डिसाइड करी लास्ट में। नहीं, फ्रोंक्स का लुक अच्छा नहीं लगा वैसे? नहीं, फ्रोंक्स का लुक अच्छा है, पर थोड़ी सी लगी अंदर से, गैप कम है उसमें, हेड वगैरह का लगता है उसमें पीछे। ओ, क्योंकि दोस्त के पास है ना, हम ट्रिप पे गए थे एक बारी, तो उसमें लग रहा था काफी, देखा था। ओके चलो भाई, अब आ जाते हैं जरा मॉडिफिकेशन पे। ये तो हो गई अपनी बेसिक बातें। वैसे कितने की पड़ी थी आपको? भैया ये पड़ी थी 7,15,000 या 20,000 रुपए की। 7,15,000 या 20,000 रुपए, ठीक है। अब मुझे भैया ये बताते चलो, इस सिग्मा लेने के बाद आपने इसमें गाड़ी में काम क्या क्या करा दिया है? भैया सिग्मा लेके इसमें काम हुआ है, पहले तो बेसिक सा वो लगवाया था सिस्टम हमने, उसके बाद स्क्रीन वगैरह लगवाई, तो कैमरा हमने लगवाया नहीं था, कैमरा की बम्पर कटेगा, और बाकी एलॉयज वगैरह लगवाए हैं, और सिस्टम फिर और अपग्रेड कराया थोड़ा सा, तो अब जितना हो सकता था उतना करा दिया सिस्टम वगैरह में। अभी थोड़ा और कराएंगे थोड़ा बहुत। ओके, अभी एलॉयज और वही हुआ है मेन, बाकी बस शीशा वगैरह है, और तो कुछ नहीं है। तो ये नंबर प्लेट भी है, ऐसी चला रहे हो किसी नंबर प्लेट पे? हाँ जी भैया, नंबर प्लेट तो ऐसे चला रहे हैं। ऐसी चला रहे हैं जी, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही? ट्रिप भी करी है उत्तराखंड की 10-12 दिन की इसी नंबर प्लेट पे। हाँ, इस नंबर प्लेट पे शीशे भी ऐसे थे, सब कुछ ऐसे ही था। क्या बात है यार, तो कुछ हुआ या नहीं हुआ चलान वगैरह? नहीं, एक दो बारी पकड़ा, एक जगह तो अपने ही भाई थे हमने थाने में, किसी केस में। तो भाई अब एलॉय पे आ जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईलाइट पॉइंट तो मुझे यही लग रहा है। हाँ जी भैया, तो एलॉय के बारे में जरा डिटेल में बता दो, कितने के पड़े, कितने इंच है और क्या सीन है इनका? भैया एलॉय का बजट था हमारा 50-60 हजार रुपए। हम लगवाने गए थे 16-17 इंच। अच्छा, जो मेन बात है, अब वहां जाके मर्करी टायर सुना होगा आपने करोल बाग में। बिल्कुल सुना है, X2। तो वहीं पे गए, उन भैया ने डायरेक्ट निकाल के ये वाला लिया है, फिर अब इन्होंने ये वाला लगा के दिखा दिया। एक ब्लैक कलर का था और एक ये था अगले और पिछले टायर में। अब ये लगने के बाद तो फिर हमने सोच लिया कि ये लगेंगे, फिर हमने पूछा भैया पैसे कितने, उन्होंने बताया मोटा मोटा 1,20,000 रुपए। अच्छा, ये पसंद आ गए? हाँ, ये पसंद आ गए थे, पर तो मेन यही था। फिर हमने थोड़ा सा बजट और बढ़ा लिया, फिर ये लगवा ही लिए कुल मिला के, इसके अलावा कोई पसंद नहीं आ रहा था फिर। तो 1,20,000 के इसमें तो खैर वही आए होंगे रिम वगैरह। हाँ जी भैया, रिम आए थे। तो वो कितने के गए थे भैया? वो गए थे 20,000 रुपए के। अच्छा, 20 के गए थे, तो आपको मोटा ये 1,00,000 रुपए के पड़ गए। हाँ, विद टायर 3-4 हजार रुपए और लिए थे उन्होंने सस्पेंशन वगैरह के, वो गुटके लगाने के चारों टायरों में। कितना साइज बताया था इनका टायर का? भैया ये 20 इंच। और कंपनी से क्या आता है? भैया कंपनी से था इसमें 15। भाई 5 इंच अपग्रेड कर दिया। हाँ जी भाई, मारुति वैसे माइलेज के नाम पे ज्यादा जानी जाती है, मुझे ये बताओ आपने तो इतना खिलवाड़ कर दिया, इतनी छेड़छाड़। भैया माइलेज और चलाने में फर्क तो बहुत है, मतलब स्टीयरिंग तो आपको ऐसा लगेगा कि बुलेरो चला रहे हो आप। क्या बात कर रहे हो, इतना टाइट सा हो गया क्या? बहुत टाइट हो गया उससे तो खैर, पर एवरेज में ज्यादातर ये मान लो आप हाईवे पे तो ज्यादा फर्क नहीं आया, पर लोकल में 10-12 की एवरेज दे रही है बस। लोकल में 10-12 दे रही है, हाईवे पे कितना दे रही है? हाईवे पे तो दे रही है बढ़िया। हाईवे पे मान लो आप एक टंकी में, हम आधी टंकी हुई थी हमारी, हम
पहुंच गए थे मसूरी। तो ये ट्रिप कब किया आपने जो बता रहे थे? भैया अभी 4-5 दिन पहले आया। कहाँ कहाँ गए? भैया हम गए थे, पहले सोचा नहीं था ज्यादा जाने का, ऋषिकेश सोच के निकले थे, पर डायरेक्ट देहरादून मसूरी पहुंच गए, फिर धनोल्टी, अच्छा, फिर उससे ऊपर क्या कहते हैं आगे टिहरी, फिर टिहरी से वापस आए, फिर शास्त्रधारा वगैरह होते हुए, मतलब अच्छा खासा घूम लिया। हाँ जी पूरा ही घूम लिए थे सारे ही। चलो भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कर दो जरा अपना। भैया ओवरऑल तो गाड़ी सही लगती है, बस थोड़ा सा ये है कि 20 इंच लगवा के ना इस तरफ से देखोगे आप तो फेंडर लगता है इसका, और डेंट भी है उधर। ओके मतलब 20 इंच यार बहुत होता है इतनी छोटी गाड़ी में, क्योंकि ये अपनी एक हैचबैक ही तो है और उसमें 20 इंच काफी ज्यादा बड़ा साइज हो जाता है, लेकिन लुक बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है यार। बस ये यहाँ पे लगता है थोड़ा सा ये डेंट आ जाता है बस कभी कभी। कहाँ पे? अच्छा ये टायर से आया हुआ है? हाँ। अच्छा कहीं नीचे लगती होगी तो उस वजह से ना। हाँ इस साइड से आता है। अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम है यार, तो ये गाड़ी तो अपने आप को खुद डेंट दे रही है फिर। और बाकी तो सिस्टम ही है जो है, इसके अलावा बाकी डेमेनाई कराएंगे थोड़ी बहुत, 1-2-4 दिन में कराएंगे डेमेनाई। और ये एनिमल का क्या सीन है भाई? भैया ये ना एक दिन हम सोच रहे थे कि कुछ यूनिक लिखना है, फिर हमने 2-4 नाम सोचे, फिर एकदम से एनिमल आया। एकदम से एनिमल कैसे आया फिर? भैया ये बस हमारी हरकतें थोड़ी वैसी है, जानवर वाली। हाँ जानवर वाली, तो हम वैसे ही रहते हैं थोड़ा सा। अच्छा तो एनिमल ही लिखवा दिया फिर, तो एक जानवर और जुड़ गया। तो थोड़ी सी अपने एरिया में ना फेमस भी हो गई फिर एनिमल के नाम से, तो पूरा एरिया जानता है अच्छे से कि एनिमल नाम के बलिनो आती है। अच्छा चलो यार अब और जान जाएगा कि एनिमल नाम की एक बलिनो आती है। एक बलिनो आती है जो मारुति देती है, और एक भाई ने निकाली है एनिमल नाम की। और इसमें भाई ये डीबी का ऑडियो लगा हुआ है। हाँ जी भैया डेप बाउंस के 8 मीड लगे हुए हैं इसमें, बेस ट्यून्ड पेटी लगी हुई है 2 क्या कहते हैं वूफर के साथ। वूफर अभी ऑडियो नॉक्स के अभी अपग्रेड करेंगे, डेप बाउंस के लगवाएंगे। ओके अभी बाकी ठीक है, 3 एम्प लगे हुए हैं, 2 इंटरफायर 1 मोको, बाकी ओके है अभी सिस्टम बढ़िया। सिस्टम वगैरह कितने का लगा हुआ है बताओ? भैया सिस्टम लगा है इसमें लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। तो यार फिर सुनना बनता है। हाँ सुनना बनता है, आप सुनो। लेकिन इसको हम YouTube पे नहीं सुनेंगे। हाँ इसको हम रील पे डालेंगे। ठीक है तो भाई अगर आपको इसका सिस्टम चेक करना है 1 लाख वाला के कैसा लगा हुआ है, और मैं बता रहा हूँ काफी ज्यादा बढ़िया लगा हुआ होगा, तो मैं अभी बोल सकता हूँ, तो इसलिए आप रील जरूर चेकआउट करना। इस वीडियो से पहले रील डल चुकी है तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो, ऑडियो बहुत ही अच्छा है। तो उसमें हम इसलिए भी सुनना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे NCS लगाओ उसमें मजा नहीं आता, NCS में मजा नहीं आएगा, और हम वहाँ बजाएंगे पंजाबी वाले गाने बढ़िया से, है ना। तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो भाई। काले शीशे वगैरह में ही चला रहे हो जब से गाड़ी? हाँ जी भैया काले शीशे में चलाते हैं। और आप कह रहे हो कि उत्तराखंड भी मैं ऐसे ही घूम के आया? ऐसे ही घूम के आए थे भाई। यार मैं तो अपनी गाड़ी को वैसे भी नहीं लेके घूमता यार आसपास भी, तुम उत्तराखंड घूम ही आए। भाई एक बात बताओ यार, ये मिथ है क्या एलॉय पे चलान होता है या एलॉय पे चलान होता है? नहीं भैया एलॉय का तो कहीं भी चलान नहीं बोला किसी ने, कभी नहीं बोला। पुलिस वालों ने रुकवाया भी है ना तो एलॉय को टोका ही नहीं कभी, शीशों के लिए बोला है, नंबर प्लेट के लिए बोला है बस। अच्छा एलॉय के लिए कभी नहीं बोला? एलॉय के लिए कभी नहीं बोला। मैं ये जानना चाहता था कि एलॉय पे चलान होता है नहीं होता, लेकिन यार यूनिक बलेनो इसलिए मुझे लगता है पहली बलेनो है जिसमें ऐसे एलॉय डले हुए हैं। नहीं भैया एक या दो और है। अच्छा है और? एक या दो और है, पर नजरों में यही आ रही है ज्यादा। हां पर नजरों में आ रही है। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा जो अपनी वीडियो में बता दूं कि भाई से हमारी मुलाकात कैसे हुई और इनकी गाड़ी को हम कैसे अपने चैनल तक फीचर किया है। भाई जरा पीछे का रियर प्रोफाइल पे बात कर लेते हैं, मुझे बता दो इस ये बैटमैन वाला स्पॉइलर कितने का पड़ा आपको? भैया ये अपने एक भाई है तो उनकी फैक्ट्री है तो ये तो हमें तो बहुत सस्ता पड़ा था, ये पड़ा था ऐसी 1800-2000 रुपए का बस। हाँ जी और वैसे अगर कोई बंदा लेना चाहे? वैसे लेना चाहता भैया 3.5-4.5 के भी लगाते हैं। हाँ उससे कम तो नहीं होगा ना? हाँ जी। वैसे लुक अच्छा आ रहा है। हाँ अभी टेल लाइट वगैरह इसकी आई नहीं है, टेल लाइट भी चेंज करवाएंगे। ये स्मोक कराई है कि टेल लाइट? हाँ ये स्मोक थी, आगे बस येलो थी वो व्हाइट लगवाई थी हमने एलईडी। हाँ 300 वाट उसमें एलईडी लगवाई थी बस। अच्छा और पीछे की ये स्मोक करा थी? हाँ जी ठीक है। और बेस वेरिएंट लेने का सिर्फ एकमात्र रीजन ये था कि आपको मॉडिफिकेशन करा, सब कुछ चेंज कराना था, लाइट वगैरह सब A to Z। ओके हेडलाइट भी चेंज करवाएंगे कुछ आती है तो, अगर आफ्टर मार्केट अच्छी थी। इंटीरियर में कुछ चेंजेस हैं या सेम ऐसे ही है? भाई इंटीरियर में तो बस सीट कवर है। अच्छा बाकी अभी कुछ नहीं कराया? एम्बिएंट लाइट अच्छी नहीं लगती, वो चुपती है, काली शीशे में रिफ्लेक्ट होकर आती है ना फिर वो तो चुपती है वो। तो इंटीरियर कराने वाले हो या नहीं? इंटीरियर भैया कराएंगे। कराओगे तो मैं बोल दूं कि सेकंड पार्ट हम ला सकते हैं इसका। हाँ सेकंड पार्ट ला सकते हो आप। तो सेकंड पार्ट में कुछ और चीजें और इंटीरियर हम कवर करेंगे। भैया मुझे ये बताओ यार, अगर कोई बंदा प्लान कर रहा हो इस बजट में गाड़ी लेने का और उसके दिमाग में गाड़ियां ज्यादातर इस बजट में अब यही चलती है, तो ये चलती है फ्रोंक चलती है, तो आपकी क्या राय रहेगी कौन सी लेनी चाहिए? भैया मेरे हिसाब से तो बेलिनो लेनी चाहिए, बेलिनो अच्छी गाड़ी है। तो फ्रोंक्स क्यों नहीं? भैया फ्रोंक्स का वही है अंदर जो बैठने का वो है ना थोड़ा सा वो अच्छा ही नहीं लगा मुझे पिछली सीटों पे। अच्छा पिछली सीटों पे ना सर अड़ता है उसमें, अगर कहीं भी हल्का फुल्का ब्रेक वो थोड़ा कूपे डिजाइन आ जाता है, वो थोड़ी सी ना दबी हुई है पीछे से गाड़ी। इसमें फिर भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, और स्विफ्ट से बड़ी भी है, स्विफ्ट इसलिए नहीं सोची थी। कितने किलोमीटर चला ली आपने? भैया ये चल गई 6,650। 6,650 चल गई? तो 6,650 में तो गाड़ी का अच्छा खासा कुछ सब कुछ समझ में आ जाता है। तो अब जरा मुझे ये बताओ, जैसे गाड़ी में पॉजिटिव्स होते हैं तो ऑलमोस्ट नेगेटिव्स भी होते हैं। भैया नेगेटिव्स मैं बताया था आपको,
कि एक मुझे लग रहा है आप पहले से नेगेटिव सोच के बैठे हो। नहीं, नेगेटिव तो है, एक चीज जो गलत लगी। अच्छा भैया, ये 1.5 महीने पुरानी गाड़ी है, तो हम जैसे पहाड़ों में गए ट्रिप मारने के लिए, कंपनी वाले तो बोल देंगे कि हेलो इसकी वजह से फूक गई है, जो भी है क्लच प्लेट फूक गई थी भैया इसकी। क्या बात कर रहे हो भाई। और वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ी मतलब एक जगह ऐसी ढलान थी कि वहां पे गाड़ी फंस गई, 6,500 चली हुई गाड़ी की क्लच प्लेट फूक गई, क्लच प्लेट फूक गई थी इसकी। तो यार फिर हमने कंपनी में फोन भी किया वहां पे, तो उन्होंने बोला कि क्लच प्लेटों की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। अच्छा, तो फिर हमने अब एट द एंड हमें क्या कराना पड़ा कि वहीं से चेंज करवानी पड़ी, तो अभी करवाएंगे फिर से कंपनी से चेंज। तो भाई इतनी भी क्या ही हमने इसमें क्या कर दिया जो क्लच प्लेट फूट गई, पता नहीं यार। एक और बेलिनो सेम 1.5-2 महीने पुरानी वहां पे एक और थी, उसकी भी फूकी थी उसी जगह पे। तो इस चीज पे तो लड़ना चाहिए भाई, आपको ऐसे तो नहीं छोड़ना चाहिए। अब भैया बस क्या बोले, देख जाएंगे अब कंपनी में जाएंगे, बोलेंगे तो जरूर जहां से गाड़ी ली थी एक बार। मुझे बताओ पहले तो बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक का एक्सपीरियंस शेयर करो अपना मारुति के साथ। भैया बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक तो बढ़िया था सब। अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट था, किसी चीज की कमी थी नहीं। बाकी अगर हम बात करें आफ्टर सेल सर्विस की, हाँ जी, तो उस पे जरा बताओ आप, क्योंकि आपने थोड़ा सा फेस भी कर लिया चीजें जो क्लच प्लेट वाला सीन है। भैया सर्विस वगैरह कराने जाते हैं तो सही है, क्योंकि नेक्सा पड़ जाता है, अब एरएनए में जाते तो बेकार है, नेक्सा तो प्रीमियम हो गया। नेक्सा थोड़ा सा सही है, अच्छी है, कुछ कुछ सर्विस सेंटर बेकार भी है, कुछ कुछ अच्छे भी है, ठीक है। पर वही है, अब जैसे क्लच प्लेट फूक गई, हमने कॉन्टेक्ट किया उन्हें, तो एक दूसरे में बात डाल देते हैं, जैसे कि सर्विस वाले बोलेंगे जहाँ से गाड़ी ली थी वहां से करो, पर वो बोलते हैं कि आप सर्विस वालों से बात, पल्ला झाड़ते हैं सब। हाँ, पल्ला झाड़ देते हैं। अब मुझे भाई ये बता दो, आउट ऑफ 10 मारुति के इस प्रोडक्ट को कितने नंबर देना पसंद करोगे? अगर क्लच प्लेट वाली चीज ना देखी जाए तो 10 पे से 9 तो दे ही दूंगा मैं। अच्छा, पर अगर वो देखी जाए तो 7-8, अगर उन्होंने वारंटी में नहीं की तो फिर 7-8 ही। हाँ नहीं, गाड़ी तो वैसे अच्छी है, बाकी गाड़ियों से मारुति की अगर बजट में देखा जाए तो परफेक्ट गाड़ी है। नहीं, मारुति की गाड़ी वैसे देखा जाए तो भाई मेंटेनेंस और पार्ट्स वगैरह भी इसके सस्ते ही होते हैं, और आफ्टर सेल सर्विस भी ठीक ही है मारुति। आफ्टर सेल सर्विस भी ओके है, ठीक है, ठीक है। चलो यार अंधेरा होने वाला है, तो मैं वीडियो को अब जल्दी से यहीं पे एंड करूंगा, और मैं अब आपको बताने वाला हूं कि इस गाड़ी को हमने कैसे अपने चैनल तक फीचर किया। वो बता कौन है भाई इस गाड़ी के खुद ओनर, तो जरा बता दो भैया कि कैसे आपसे हम मिले और कैसे आपकी गाड़ी को यहां तक लेके आए। भैया आपने शायद रील वगैरह देखी होगी या क्या? बिल्कुल रील देखी थी। हाँ, तो आपने रील देखी थी, आपने इंस्टा पे कॉन्टेक्ट किया, तो मैंने रिप्लाई किया, मैंने आपकी पहले भी वीडियोस देखी हैं। अच्छा, यूट्यूब पे? ओके, शायद मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा हो आपको। अरे वाह, क्योंकि मैं भी थोड़ा ऐसे ही हूँ, थोड़ा गाड़ियों में ज्यादा है, दिख भी रहा है भाई वो, तो सब बंदों को फॉलो करके रखता हूं, सारी चीजें देखता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो इस तरीके से हमारी मुलाकात हुई, और अच्छी बात यह है कि भाई की बात तो हमारी पहले भी हुई थी अभी कुछ दिन पहले, लेकिन आज सुबह ऐसी बात हुई, मैंने पूछा कि भाई आज टाइम है, भाई ने बोल दिया कि हाँ आज टाइम है, तो ऐसे बहुत जल्दी से हमारी मुलाकात हो गई, तो बस यही बताना था। तो भाई क्या है कि भाई जो मेरी 6 मंथ चैलेंज जर्नी चल रही है उसमें जरा सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, आप भी अपनी गाड़ी को मेरी चैनल पे फीचर कर सकते हो, या मुझे सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर लो, जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लो। थैंक यू भैया अपना टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो ये थे भाई अपने साथ गुनीत भाई, जिन्होंने अपनी बलिनो सिग्मा अभी 6,500 चली हुई है। मेन बात क्या है यार, इस गाड़ी की क्लच प्लेट फूक गई है, अब जरा आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या कर सकते हैं। कंपनी वाले बोल रहे हैं वारंटी में पार्ट नहीं आता है। हमने 6,500 किलोमीटर का एक एक्सपीरियंस शेयर कर दिया आपके साथ, इसमें मॉडिफिकेशन बहुत अच्छी हो रखी है, एलॉय व्हील वगैरह ये सब है, बाकी जो इसका सिस्टम है वो हम सुनाएंगे रील पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।